नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 1 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम 3D मैक्स का इंटरफेस जान लेंगे। इंटरफेस इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू के साथ आप 3 अन्य व्यू भी देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, मेन्यू बार से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर दाई तरफ के कॉर्नर में स्टैंडर्ड फाइल बटन है। इसके ऊपर क्लिक करते ही फाइल के स्टैंडर्ड सिलेक्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्रिएट न्यू सीन वगैरह वगैरह। उसके आगे है एडिट मेनू। एडिट मेनू के मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं, जैसे स्केल, मूव, रोटेट इत्यादि। इसके बाद आता है टूल मेनू, जहाँ पे हम मिरर, अलाइन, रीनेम ऑब्जेक्ट इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं। ग्रुप मेनू में जाके हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। व्यू मेनू में जाके हम व्यूपोर्ट बैकग्राउंड को मैनेज कर सकते हैं। क्रिएट मेनू के साथ हम ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे स्पीयर, बॉक्सेस, सिलेंडर, कोन्स। इन सारे ऑब्जेक्ट्स का संच आपको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स या एक्सटेंड प्रिमिटिव्स में मिलेगा। मॉडिफायर में आप इफेक्ट सेटिंग्स पा सकते हो, वैसे इफेक्ट्स जो हम हेयर और फर को अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हेयर सिमुलेशन या फर सिमुलेशन भी कहा जाता है, जो हम हमारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिएक्ट, जहाँ पे कपड़ों का मूवमेंट और हवा को हम सिमुलेट कर सकते हैं। और एनिमेशन मेनू में हम कंट्रोलर्स और आईकी जैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके साथ ही बोन और रिगिंग जैसे ऑप्शन हमें एनिमेशन मेनू में मिलते हैं। जब एनिमेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, तब की फ्रेम्स को ऐड या रिमूव करने की सुविधा हमें ग्राफ एडिटर देता है। इसी के साथ आता है रेंडरिंग मेनू, जहाँ पे हमारा सीन रेंडर होता है। ऑब्जेक्ट्स पे टेक्सचर अप्लाई करने के लिए लगने वाला मटेरियल एडिटर भी यहाँ पे उपलब्ध है। कस्टमाइज मेनू के साथ हमारे सुविधा अनुसार हमारा यूजर इंटरफेस हम चेंज कर सकते हैं। आप सिस्टम को कॉन्फिगर करके उसको एक यूनिक सिस्टम में बदल सकते हैं। अब यह है मैक्स स्क्रिप्ट मेनू। ये एक इनबिल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे आप अपनी टास्क रिपीट कर सकते हो, नए टूल्स डेवलप कर सकते हो या अपने खुद के प्लगइन्स क्रिएट कर सकते हो। सबसे आखिर में यहाँ पे है हेल्प मेनू, जहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स की लिंक मिलेगी। साथ में ये गाइडेंस बुक रहेगी, जहाँ पे आपको हर मदद उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अब मेनू बार के बिल्कुल नीचे हमारा मेन टूल बार है। यहाँ पे आपको मिलेंगे शॉर्टकट कीज, जैसे कि अनडू, रीडू, लिंकिंग सिलेक्शन, सिलेक्शन मेनूज, सिलेक्शन बाय नेम्स, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को उनके नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे है मूव, रोटेट, स्केल, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके आगे है पिविट पॉइंट सिलेक्शन, स्नैप टॉगल टूल, द नेमिंग सिलेक्शन सेट। दोस्तों जरा गौर से देखो, जब मेरा कर्सर टूलबार के किसी भी खाली हिस्से में मूव हो रहा है, तो वहाँ पे हमें एक हाथ का सिंबल मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आप टूलबार को लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर सकते हो, ताकि बचे हुए बाकी शॉर्टकट्स भी हमें दिखाई दे। अभी हमें और भी आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मिरर, लेयर मैनेजर, कर्व एडिटर, मटेरियल एडिटर, जहाँ से हम टेक्सचर मैप असाइन करेंगे। इसी के साथ ही रेंडर सीन डायलॉग, यहाँ पे हम रेंडरिंग की सेटिंग कर सकते हैं। और सबसे आखिर में है क्विक रेंडर आइकॉन। टूलबार मेनू के एक्सट्रीम लेफ्ट में क्लिक करके हम पूरा का पूरा टूलबार हॉरिजॉन्टल व्यू से वर्टिकल व्यू में बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, क्लिक करके मैंने उसे नीचे ड्रैग किया और फिर लेफ्ट में वर्टिकली सेट कर दिया। आपको जैसे वर्किंग स्टाइल सूट करती है, उस प्रकार से आप 3D मैक्स का इंटरफेस सेट कर सकते हो। अभी जो एक्सट्रीम राइट में विंडो है, उसे कमांड पैनल कहते हैं, और इस बटन को जियोमेट्री बटन कहते हैं। प्रिमिटिव 3D ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को लॉन्च करने का ये बटन है, जैसे कि बॉक्स, स्पीयर, पिरामिड वगैरह वगैरह। जैसे ही आप ड्रैग डाउन लिस्ट चेक करोगे, तो उनकी अधिकतम कैटेगरीज आप देख पाओगे, जैसे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, डोर, विंडोज, आर्किटेक्चर एक्सटेंडेड इत्यादि। ज्योमेट्री बटन के बाजू में जो दूसरा बटन है, वो है शेप बटन, जहाँ पे हम लाइन, सर्कल, आर्क इत्यादि चीज़ें बना सकते हैं। उसके आगे जो बटन है, वो है लाइट का बटन। वहाँ पे हम स्टैंडर्ड लाइट बना सकते हैं, फोटोमेट्रिक लाइट बना सकते हैं या वीरे लाइट बना सकते हैं। वीरे 3D मैक्स का एक महत्वपूर्ण लाइट प्लगइन। अगर आपको फोटो रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए, तो वीरे का इस्तेमाल करना होगा। चौथा जो बटन है, वो कैमरास का है। वहाँ से हम फ्री या टारगेटेड वर्चुअल कैमरास क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हेल्पर्स बटन। यहाँ से हम डमी या रिएक्टर्स, लोकेटर्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेस वेव्स बटन, जहाँ पे हम स्पेशल इफेक्ट्स बना सकते हैं। और अंतिम में सिस्टम बटन, यहाँ पे हम डेलाइट सिस्टम बना सकते हैं, तथा प्रैक्टिस के लिए बोन या बायपैड्स भी बना सकते हैं।
अभी ये विंडो के बॉटम में जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे कहते हैं एनिमेशन टाइमलाइन। ये हमें एनिमेशन की फ्रेम्स और समय दोनों दर्शाती है। स्लाइडर बार को आप क्लिक करके या ड्रैग करके टाइमलाइन मूव कर सकते हो, अन्यथा स्लाइडर बार के इर्द गिर्द खाली जगह पे क्लिक करके आप टाइमलाइन मूव कर सकते हो। और फ्रेम बाय फ्रेम मूव करने के लिए स्लाइडर बार के दोनों छोर पे जो एरो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। टाइमलाइन के एक्सट्रीम लेफ्ट में मिनी कर्व एडिटर रहता है और जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ तो हमारे टाइमलाइन को एक्सपांड करते हुए कर्व एडिटर ओपन होता है। अगर आपको ये कर्व एडिटर फ्लोटिंग विंडो के स्वरूप में चाहिए तो आपको टूल बार में जाके ग्राफ एडिटर मेनू पे क्लिक करना होगा। फिलहाल हमारा टाइमलाइन ड्यूरेशन 0 to 100 में सेट है। टाइम कॉन्फ़िगरेशन नाम का ये छोटा आइकॉन क्लिक करके आप टाइमलाइन का ड्यूरेशन चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही आप फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हो, जैसे NTSC या PAL। इसे FPS यानी फ्रेम रेट पर सेकंड कहा जाता है। ये जो एनिमेशन सेक्शन है यहाँ पे हम एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं। इस केस में मैंने एंड टाइम पे 50 डिजिट एंटर किया तो आप देख पा रहे हो कि नीचे टाइमलाइन का ड्यूरेशन भी हमें 50 फ्रेम दिखा रहा है। राइट साइड विंडो के लोअर कॉर्नर में हमें व्यूपोर्ट कंट्रोलर्स दिखाई दे रहे हैं। इन व्यूपोर्ट कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करके हम व्यूपोर्ट को पैन, जूम इन, जूम आउट इत्यादि कर सकते हैं। व्यूपोर्ट कंट्रोलर के सामने जो आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं प्लेबैक कंट्रोलर्स। इसके मदद से हम एनिमेशन को प्ले कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम जा सकते हैं और एनिमेशन को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके चेक कर सकते हैं। इन कंट्रोलर के ठीक नीचे की फ्रेम कंट्रोलर है। अगर आप किसी पर्टिकुलर की फ्रेम पे काम करना चाहते हो तो की फ्रेम कंट्रोलर पे वो नंबर आपको सिर्फ टाइप करना होगा। अब ये लेफ्ट साइड में जितने भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं की फ्रेम क्रिएशन टूल। अगर मैं ऑटो की बटन को एक्टिवेट करता हूँ तो पूरी टाइमलाइन रेड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि व्यूपोर्ट में इस दौरान मैं जो भी ऑब्जेक्ट मूव करूँगा उसके ऑटोमेटिकली की फ्रेम टाइमलाइन पे सेट होते जाएंगे। ये जो लेफ्ट साइड में है वो XYZ के लोकेशन रीडआउट है। आप अपना कर्सर व्यूपोर्ट पे कहाँ पे भी ले जाओ तुरंत ही आपको XYZ पे उसकी लोकेशन रीड होते हुए दिखाई देगी। इसी तरह व्यूपोर्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो XYZ के द्वारा उसकी लोकेशन हमें पता चलेगी। ये जो छोटा रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है अगर 3DX Max में कुछ एरर आती है तो वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सबसे अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण मतलब हमारे इंटरफेस पे छाए हुए ये चार व्यू पोर्ट। दरअसल हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके ये चार अलग अलग एंगल है, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट और प्रस्पेक्टिव व्यू। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।